हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने वीडियो में इंसॉल्वेंट पर्सन्स के बारे में बताऊंगी कि किन व्यक्तियों को इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है, किस सिचुएशन पे आने के बाद पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाता है। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। सच पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। ऐसी सिचुएशंस जब कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, यानी कि आपको अपनी लायबिलिटीज, आपके उत्तरदायित्व ज्यादा है आपकी संपत्ति या आपकी कैपिटल से, तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और जो व्यक्ति उस चीज को सहन करता है या वेयर करता है उसको कहते हैं पर्सन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक पर्सन है, पर्सन एक्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम में पर्सन एक्स इस पर्सन को बनाया है। इसकी टोटल एसेट्स कितनी काउंट हुई है? 50 लाख। और इसकी जो टोटल डेब्ट्स है, यानी कि इसकी जो लायबिलिटीज है, उसको कितना पे करना है? 70 लाख। यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आपकी एसेट, जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो कम है और आपकी लायबिलिटीज कितनी ज्यादा है, लायबिलिटीज 70 लाख है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 20 लाख। यानी कि आपकी एसेट से 20 लाख मोर देन आपको अपनी लायबिलिटीज को पे करना है। जब आपके पास आपकी टोटल संपत्ति या टोटल कैपिटल या आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है और आपकी लायबिलिटीज, आपके उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और जो इसको पे करेगा उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।